गुड़ में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के ऊपर एसपी कलेक्टर ने की कार्यवाही, शराब बांटने के आरोप में किया गिरफ्तार। गुड़ विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के समर्थकों को एसपी कलेक्टर ने 56 लीटर शराब बांटने के आरोप में कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। तो वहीं समर्थकों पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए इस बारे में समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साजिश है, जिनके इशारे पर गलत तरीके से समर्थकों की गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही ऐसी गतिविधियों के माध्यम से जनता के बीच पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस बारे में वहां मौजूद ढाबा संचालकों का क्या कहना है। अगर ये लोग प्रशासन केवल सवाल नहीं है, माल दिखाए भैया, माल पकड़ के लाए होंगे, माल तो कहीं नहीं रखा होगा, जबकि आपके मुंह में छेद नहीं है। श्रीमान जी बताइए ना, क्या कर रहे हैं ये तो बताइए आप। यादव जी, श्रीमान जी बताइए, बताइए कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान जी आप? पुलिस सीधे सीधे पकड़ के ले जा रही है। आपको बोलने में क्या डर है? आप बोलते क्यों नहीं? कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसमें नहीं है, पूरा प्रशासन बिका हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के हाथों। कार बैठे हैं, पैसा खा रहे हैं। खाना खाने नहीं दिए, ये क्या कौन सा दबाव चल रहा है कि खाना खाने नहीं देते? किसी को उठा के जबरदस्ती बंद कर देंगे। कोई उपटांकी हो तो बताए, वहां पे समाज है, चार लोग, छोटा छोटा बच्चा है वहां पे बैठा था ढाबा वाला, उससे पूछे जाके कौन कौन आया था वहाँ पे। कलेक्टर मैडम थी, एसपी साहब थे और दो तीन गाड़ियाँ थी और वहाँ पे ये लोग सब खाना खा रहे। हम कुत्ते को लेकर टहल रहे थे अगल बगल वहाँ, तो बोली मैडम बोली किसका कुत्ता है? हम कहे हमारा कुत्ता है, कि इसको ले जाओ जल्दी से। फिर हम ले गए, कुत्ते में सबको बैठाया और लेके चले गए। सीसीटीवी से हमारा व्यू वायु लोग उखाड़े हैं सब। क्या नाम है आपका? ब्रजेश त्रिपाठी। आपके भाई हैं? नहीं, हमारा साला है, खामा गाँव का है। इसको बंद कर दिया। हमारा भतीजा है और ये सबको नाजायज फंसाया गया है। हमारे दो तीन भतीजे हैं उसमें, सब गाँव के हैं वो। कौन फंसाया है? ये जबरदस्ती विधायक जी की चाल है। कौन विधायक? नागेंद्र सिंह जी की चाल है ये, जबरदस्ती उनके साथ प्रशासन पूरा लगा हुआ है। एसपी साहब लगे हैं, कलेक्टर मैडम लगी हुई है, जबरदस्ती मुकदमा कायम करवा रही हैं। केवल वो लोग खाना खा रहे थे। उसमें जो सीसीटीवी कैमरा बगल ढाबे में लगा है उसका क्या हुआ? वो सब मैडम खड़वा ले गई हैं। अच्छा, मतलब उनको ये पता ना चल सके। हाँ, जिससे किसी को पता ना चल सके कि क्या माने, क्या सही है, वास्तविकता क्या है। हाँ, वास्तविकता।